लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही क्यों हंसने लगी माता सीता। दोस्तों, आज भी लोगों के मन में वाल्मीकि जी द्वारा रचा हुआ रामायण का अध्ययन मन में बसा हुआ है। उसी में से एक ये भी था कि जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और ये खबर जब माता सीता के पास गई, तब माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, अपने पुत्र के समान लक्ष्मण जी के मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने ऐसे ही किया था। अब इसके पीछे क्या था कारण, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे, तभी विभीषण के सलाह पर हनुमान जी लंका गए और सुसेन बैद जी को ले आए। तब सुसेन बैद जी हनुमान जी से बोले कि श्री राम के छोटे भाई का उपचार द्रोणाचर पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी से हो सकता है और दूसरा कोई उपचार लक्ष्मण जी के प्राण को बचा नहीं सकता है। यदि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तभी जब ये समाचार दशानन रावण की कैद में रही माता सीता को मिली तो जनक नंदनी जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह से हंसता हुआ देखकर वहां मौजूद राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ और त्रिजटा ने माता सीता से हाथ जोड़ते हुए पूछा कि हे माता, आपके देवर के मरने पर आप जोर जोर से हंसने क्यों लगी, क्या हमें अपने हंसने का कारण बताएं। तब त्रिजटा की बात को सुनकर माता सीता कहने लगी, हमें किस बात की चिंता, स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं और सारे संसार के स्वामी के गोद में उनके भाई लक्ष्मण जी हैं, वह स्वयं श्री नारायण की गोद में हैं, भला उन्हें मृत्यु कैसे छू सकती है। जिस कार्य का भार पवन पुत्र को सौंपा गया है वो कार्य कैसे पूर्ण नहीं होगा। और रही बात सूर्योदय की, तो जब तक हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ जाते हैं तब तक सूर्यदेव की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ उदय हो जाए। मेघनाथ ने जिस शक्ति को मारा है वो लक्ष्मण नहीं बल्कि मेरे स्वामी श्री राम को लगी है, क्योंकि मेरे स्वामी के कण कण में लक्ष्मण जी का वास है और लक्ष्मण जी के कण कण में मेरे स्वामी वास करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि संजीवनी बूटी लेने जाने से पूर्व संकट को हरने वाले केसरी नंदन हनुमान और भगवान सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ था। बजरंग बली ने बड़े ही विनम्र वाणी में सूर्य देवता से विनती किया कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप कुछ समय तक अपने इस रौद्र रूप को समेटे रखें, क्योंकि आज आपके ही वंश में घोर संकट आन पड़ा है। लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने स्वयं परमपिता नारायण के अंश पर वार किया है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे सूर्य देवता, अगर मेरे आने से पहले आपका तेज थोड़ा भी बढ़ा तो आपके सूर्य वंश पर अंधेरा छा जाएगा और भैया लक्ष्मण अपने जीवन का साथ श्री राम से पहले ही छोड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आ जाऊं तब तक आप छिपे रहें। हे प्रभु, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, आप अपने दास पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अन्यथा हे प्रभु, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्षमा करें सूर्यदेव, जिस प्रकार मेरी माता ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ। हनुमान जी विनती करते हुए आगे कहते हैं, हे प्रभु, यदि थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो आप मेरे बचपन की बातों को याद करें। जिस तरह मैंने आपको बचपन में फल समझकर निगल लिया था, कहीं वही प्रक्रिया मुझे फिर से ना करना पड़े। इसके साथ ही मैं आपको स्वतंत्रता तभी प्रदान करूंगा जब मेरे श्री राम के अनुलक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत के लिए निकल गए। दुष्ट रावण चाहता था कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर कभी न वापस लौटे, इसलिए उसने श्री राम के कार्य में विघ्न डालने के लिए उनके रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न किया। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने मामा मारीच के पुत्र राक्षस कालनेमी को भेजा।
कालनेमी ने हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रास्ते के मध्य में एक सुनसान सी जगह पर एक कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश बनाकर रहने लगा। हनुमान जी को बीच राह में प्यास लगी तो उन्होंने उस कुटिया की ओर देखा और वहीं रुक गए। उन्होंने उस राक्षस रूपी ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। हनुमान जी को उस ऋषि ने अपने कमंडल की ओर संकेत किया। उस कमंडल को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे ऋषिवर, इतने जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप पास के किसी जलाशय का रास्ता बता दीजिए। ऋषि ने उन्हें पास के एक जलाशय के बारे में बताया। वहां पहुंचकर बजरंग बली ने जल ग्रहण किया और वहीं स्नान करने लगे। स्नान करते समय उनके पैर को एक जलचर मगरमच्छ काटने लगा, जिसके जबड़े को पकड़कर मारुति ने अपने हाथों से फाड़कर उसको मृत्यु प्रदान कर दिया। मृत्यु के बाद वो मगरमच्छ एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने प्रभु को प्रणाम किया तथा इस श्राप से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, वही जब हनुमान जी वापस जाने लगे तो उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि उस कुटिया में रहने वाला ऋषि कोई ऋषि नहीं, बल्कि रावण द्वारा भेजा गया एक राक्षस कालनेमी है, जिसके बाद पवन पुत्र और उस राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ और फिर उन्होंने उस दुष्ट कालनेमी को मृत्यु की गोद में भेज दिया। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर यह कालनेमी कौन था। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालनेमी मायावी राक्षस था और उसके पिता मारीच थे, जो रावण के दरबार में अहम मंत्रियों में से एक था। उसे बार बार धरती लोक पर जन्म लेने का श्राप मिला था और उसे हर बार श्री नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। सतयुग में कालनेमी समुद्र मंथन से एक भयानक क्रूर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपनी शक्तियों से देवराज इंद्र का सिंहासन अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद ही इंद्रदेव और बाकी देवताओं की विनती करने पर भगवान विष्णु ने उस शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। इसके बाद फिर उस राक्षस ने हिरण्याक्ष के राज में जन्म लिया और अपने भाई अंधकासुर के आज्ञानुसार श्री हरि से युद्ध करते हुए मारा गया। त्रेता युग में कालनेमी के साथ क्या हुआ था ये तो आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए द्वापर युग में कालनेमी किस रूप में जन्मा आइए जानते हैं। द्वापर युग में एक बार फिर कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया था, जो मथुरा का एक क्रूर राजा बना तथा भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। कंस को अपने भांजे श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। इस प्रकार कालनेमी हर जन्म में किसी न किसी हरि के अवतारों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। तो दोस्तों, आपने जाना कि लक्ष्मण जी के मृत्यु का समाचार सुनकर क्यों हंसने लगी माता सीता। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम। स्वाहा।